साधारण उत्तर भारतीय पान टपरी वाले को एफडीए और मीडिया द्वारा गुटखा किंग बनाए जाने का मामला सामने आया है। कई दिनों तक जेल में बंद रहने के बाद बाहर निकले पीड़ित राजन गुप्ता ने बताया कि उन्हें हफ्ता नहीं देने के कारण जानबूझकर फंसाया गया और फर्जी खबरों के जरिए गुटखा किंग तक बना दिया गया। इसे मानहानि और अन्याय बताते हुए राजन गुप्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर ली है। एक ही दुकान वाले पे कार्रवाई हुई है पूरे एपीएमसी भाजी पालक मार्केट में, उन पे किसी पे वो गए, उनको छोड़ दिए, जगह पे छोड़ दिए, मेरे सामने छोड़े वो। पुलिस स्टेशन में जाएंगे, मदद मांगेंगे, अगर वो मदद किए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो मैं कोर्ट का रास्ता अपनाऊंगा। नई मुंबई की एपीएमसी में एक साधारण सी पान टपरी चलाने वाले यही वो राजन गुप्ता हैं जिन्हें पुलिस और मीडिया ने मिलकर गुटखा किंग बना दिया है। बताया जा रहा है कि 12 फरवरी को कुछ हफ्ताखोर लोगों की शिकायत पर राजन गुप्ता की पान टपरी पर एफडीए और पुलिस की टीम ने छापा मारा। पीड़ित की माने तो यहाँ पान मसाला तंबाकू के सिवा ज्यादा कुछ नहीं मिला, फिर भी केस दर्ज किया गया। पीड़ित राजन गुप्ता ने एफडीए अधिकारियों की नियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि मार्केट में आसपास 8-10 दुकानें और भी थीं, जिन सबके पास वही पान मसाला बिकता है, लेकिन सबको छोड़ दिया गया और उन्हें जेल भिजवा दिया गया, जो साजिश का बड़ा संकेत देता है। एपीएमसी भाजी मार्केट में कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ हम एक ही दुकान वाले पे कार्रवाई हुई है पूरे एपीएमसी भाजी पालक मार्केट में, और हमारे अगल बगल में लगभग 7-10 दुकानें हैं। एक ही दुकान वाले पे कार्रवाई हुई है पूरे एपीएमसी भाजी पालक मार्केट में, उन पे किसी पे वो गए, उनको छोड़ दिए, जगह पे छोड़ दिए, मेरे सामने छोड़े वो। बहुत लोगों को जाने दिया, मैं बोला साहब मैंने क्या गलती कर दी है, बेबुनियाद हमको फंसाने का साजिश कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर गुटखा होता या कुछ भी एसवाई जमान होता तो एफआईआर कॉपी में बराबर लिखा, ठीक से लिखा रहता है, क्योंकि वो सरकारी काम है, मेरे घर का काम नहीं है। ये गलत है, बेबुनियाद गलत है, और मैं सिर्फ पान का और बिस्लेरी का धंधा करता हूँ, पेट पानी के लिए, मेरे परिवार के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। पीड़ित गुप्ता की माने तो बात यहीं पर नहीं रुकी, मीडिया के जरिए उनके खिलाफ उनकी पार्टी शिवसेना का बैनर लगाते हुए बड़ी खबर तक छपवाई गई, जिसमें रोजाना 20 बोरी गुटखा बेचने वाला नई मुंबई का सबसे बड़ा गुटखा किंग बता दिया गया। गुप्ता ने सवाल पूछा कि अगर वे रोज 10 से 15 लाख का गुटखा बेचते हैं तो एफडीए और पुलिस की कार्रवाई में उसकी बरामदगी क्यों नहीं की गई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि कुछ मीडिया वालों ने जानबूझकर फर्जी खबर छापी जिसका एफआईआर में कोई जिक्र तक नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे मेरी मान मर्यादा का हनन हुआ है और मानसिक तकलीफ हुई है। राजन गुप्ता ने कहा कि ऐसी फर्जी रिपोर्ट छापने वालों के खिलाफ वे केस करेंगे और न्याय नहीं मिला तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। वो जो एफआईआर कॉपी थी वो गुटके के बारे में कुछ भी नहीं थी। ये लोग जो पेपर में भाई लोग छापे हैं कि जो भी छापे हैं ये गलत छापे हैं, मेरे दिल को बहुत ज़्यादा ठोस पहुँचा है, यहाँ तक कि हमारे परिवारों को भी पहुँचा है, और काफ़ी लोग भी रास्ते में तकलीफ देते हैं जो अपने नज़रिए से देखते हैं हमें, गुटखा किंग के नज़रिए से, जो हमारा सर एकदम नीचे हो जाता है। जैसा मैं दुनिया में बहुत बुरा काम कर दिया पान बेच के, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि एक पान बेचने से हमारे सर पे ऐसा बीतेगा। उन अखबारों वाले के जो बातें हैं उनके खिलाफ़ मैं कोर्ट जाऊँगा, कोर्ट के बाद जो कानूनी कार्रवाई होगा वकील के माध्यम साहब से हम जो भी करना होगा वो पूरा करेंगे। आज के तारीख में हमारा रोजी रोटी टोटल बंद है और मेरा पान टपरी सील बंद पड़ा है, भूखा मरने का आफत है। पुलिस स्टेशन में जाएंगे, मदद मांगेंगे, अगर वो मदद किए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो मैं कोर्ट का रास्ता अपनाऊंगा और न्यायालय से अपना दुहार लगाऊंगा। बताना जरूरी है कि राजन गुप्ता शिवसेना उत्तर भारतीय सेल के पदाधिकारी भी हैं, कार्रवाई से शिवसेना की भी बदनामी हुई है। इस पर नाराज उत्तर भारतीय सेल के जिला प्रमुख कमलेश वर्मा ने कहा कि गुप्ता को गुटखा किंग बताने की साजिश हुई है, जिसमें एफडीए और पुलिस तथा मीडिया की भूमिका संदिग्ध है। कमलेश वर्मा ने कहा कि यह अन्याय है और राजन गुप्ता को न्याय दिलाने के लिए वे हर संभव मदद करेंगे। देश में करोड़ों दुकानें होंगी जहां ये पान खुले आम बिकते हैं, क्या किसी पान वाले को ये कहा जाता है कि 120 तम्बाकू या भोला तम्बाकू आप नहीं रखना, क्या सादा पान बेचने के लिए कहा जाता है? ऐसा तो नहीं है, और यदि ऐसा नहीं है तो उस बेचारे
राजन गुप्ता के ऊपर ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, और साथ ही साथ पार्टी का जो नाम हमारे आपके पत्रकार साथियों ने छापा है, पार्टी का भी नाम उन्होंने इस्तेमाल किया, बदनाम करने का काम किया। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई विरोधी दल है या फिर कोई उनकी कुछ मांग वांग रही हो, हफ्ता जैसी बातें उसके तहत ये प्लान करके किया गया हो। यार पहले तो मैं भी सोच रहा था कि हकीकत में कि ये आदमी गुटखा तो नहीं बेचता है, और FIR के ही माध्यम से मुझे पता चला कि उसमें 120 तम्बाकू, भोला तम्बाकू, बाबा तम्बाकू का ही उल्लेख है, कहीं भी एक पूड़ी गुटके का उल्लेख नहीं है। और यहाँ हमारे पत्रकार साथियों ने तो 20-20 बोरी रोज सप्लाई करता था, ऐसा उल्लेख किया है। मैं एक पान वाले से जानकारी लिया कि भैया ये 20 बोरी गुटका लगभग कितने का होता होगा, उन्होंने बताया हम बेचते तो नहीं है लेकिन जितने रुपए का बिकता है वो उसके आधार पे करीब करीब 10 लाख रुपये का वो गुटका होता है। अब बताइए ये 10 लाख रुपये का गुटका यदि ये मेरा सादा पान वाला, एक मेरा उत्तर भारतीय अगर बेचता होता तो बताइए पान की गुमटी बैठ करके सड़े गले कपड़े पहना हुआ, आप कभी देखिएगा उसको, उसका चेहरा ऐसा लगता है कि जैसे कि 10 दिन से नहाया नहीं है, दाढ़ी बनाने तक की तकलीफ रहती है। वो 10 लाख रुपये का सप्लाई अगर गुटका करता तो पान की टपरी में धूप में क्यों बैठा रहता, ये सरासर गलत है सुधीर भाई। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपने पत्रकार साथियों से निवेदन करूँगा कि आपने जो किया मुझे नहीं लगता कि उचित है, भले आपका कोई इसमें इशू रहा हो या कोई आपका श्रेय हो, कोई फायदे की बात हो, परंतु किसी गरीब आदमी के प्रति, किसी एक पान वाले के प्रति, एक उत्तर भारतीय के प्रति इतनी दुर्भावना रखना उचित बात नहीं है। मैं इस बात का खंडन करता हूँ और मुझसे हो सकेगा उतना मैं उस राजन गुप्ता को मदद देने का, मदद करने का प्रयत्न करूँगा। मैं पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगा और अपने वरिष्ठ नेताओं तक बात पहुँचाऊँगा इस बात को। फिलहाल इस मामले में FDA और पुलिस के अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।